वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया। तो चलो शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। तो ये देखिए हमारे घर में कौन नमूने आए हैं। तो ये देखिए, एक है ये और दूसरी है ये। तो ये इतने लड़ाके मैं दिखाऊंगी आपको, जब ये मेरे को मारेंगे तो मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे लोग हैं। दोस्तों ये देखिए मुझको मारती है ये लड़की। प्लीज नहीं 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 रुक दो। तो दोस्तों ये है हमारा देसी झाड़ू और अभी मैं लगा रही हूँ आंगन में झाड़ू। तो ये इसलिए बनाया जाता है, शायद तो आप लोगों को पता होगा, पर जिसको नहीं पता है, तो जैसे हमारा आंगन जो है कच्चा है तो इससे जो है बढ़िया से झाड़ू लग जाता है इसमें। तो हम लोग लगाएंगे इससे अभी झाड़ू, क्योंकि आंगन में पत्थर आ गए हैं बारिश की वजह से। तो फटाफट से झाड़ू लगाती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से। और ये लोग जा रहे हैं अभी, कहाँ जा रहे तुम? छाटे फाड़ने के लिए। लज जा रहे छाटे फाड़ने के लिए। तो मैंने लगा दिया है पर लग नहीं रहा होगा कि मैंने झाड़ू लगा लिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ गाय खोलने के लिए। तो इसको खोलने जा रही हूँ मैं अभी, बांध देती हूँ फटाफट से पर रहा है। तो अभी मैंने इसको खोला तो है पर ये पता नहीं चलेगी कि नहीं। अयो मेरी चप्पल भी टूट गई। ओह तो ये देखो घर क्या, पीछे जो है घास हो गया था तो मैंने सोचा कि मैं इसको खोल लेती हूँ चरने के लिए। अब ये पता नहीं चलेगी कि नहीं, क्योंकि पशु हमारे दूसरी जगह गए चरने के लिए। तो मेरे को लगता है ये उधर ना भाग जाए, क्योंकि ये घर के पीछे घास अभी निकाला था पर फिर से हो गया है। अब देखते हो चरेगी कि नहीं। तो मैंने खोली थी ये चरने के लिए पर ये मेरे को लगता है वापस आई कि बहुत ही भाग रहा और मम्मी से गाली पड़ने वाली, क्योंकि खेत में जो है बोया हुआ था कुछ। हट 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 चल। और ये सुनती नहीं है, मतलब वैसे जब इसने चलना हो तो आदमी के ऊपर से भी चली जाएगी, अगर पीछे मुड़ी तो मेरे को मार देगी। चल चल। और इसने जब बीज खाया तब नहीं बचती मैं किसी से नहीं। तो मैंने सोचा था कि आराम से चलेगी पर इसने मेरे को दो तीन बार ऐसे दौड़ाया ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मैंने इसको बांध रखा था एक लकड़ी से जैसे, और ये उसको उखाड़ के चली गई। अब बांध भी जा रही है किस चीज़ में, अरे भाग रही है ऐसे ना कि क्या ही बताऊँ। मैं तो इधर चराने के लिए आई थी पर इसने तो सारा खेत चर दिया। अभी देख रहा है इस साइड से जाएगी पर मैं इसको जाने दूँगी। पर इसको ना लकड़ी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब कोई आदमी डंडा लेके भी आगे खड़ा होगा तो उसको ऊपर से ही चली जाएगी ना। ये हाँ सुनती है ना, ये बर सुनती है ना पर जा ही जी। तो नहीं मतलब इतनी ख़राब है ना कि आदमी के ऊपर से चढ़ जाएगी अगर इसको जाना होगा, मतलब सुनती नहीं है। अब मेरे को डर है कि मेरे को ना कुचल डाले। दो गले में अटैच किए मैंने इसके साथ के, तब तो खड़ी रहेगी। पर ये नहीं सुनती भाई लोगों, क्या ही बोलूं। अभी देखना जिद्दी जाई पर इधर चल। इसको बोल रही हूँ कि इधर आ, इधर देख कितना सारा घास है चरने के लिए। पर ये देखो ला, अब ला 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 आ आ, ये चल रही है आराम से। उसको पता नहीं कहा कोई इतनी दौड़ लगा रखते हो ना, वो आराम से बेचारी चढ़ने लगी हुई। बस इसको ही खोला करूँगी, अब उसको खोलूँगी नहीं। तो अब मैंने कर दिया बढ़िया जुगाड़, तो मैंने इसके साथ दो तीन गले में अटैच कर दिया है और इसको पार बांध दिया है। तब तक मैं कुछ और काम कर लूँगी जब तक ये चलेगी, क्योंकि ऐसे भी घास निकल ही रहा था तो ये चलेगी तो बढ़िया है, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो दोस्तों ये लोग थे अभी दुकान गए हुए और दुकान से आ गए हैं, इनके पास सामान था मंगवाया हुआ। तो अब मैं कपड़े धोऊँगी और ये लोग पता नहीं क्या करिए, उसके बाद हमको जाना है कहीं, तो बाद में बताऊँगी हम लोग कहाँ जाएँगे। तो मनीष में आ रहा है गाय के लिए कुंडा, क्योंकि गिर भी सकता है ये वाला, ऐसी है टेम्परेरी ओबरा, तो इसमें बांधेंगे हम लोग गाय को। तो इसने बढ़िया इंतजाम कर दिया। तो आप लोग देख रहे होंगे, जो नए होंगे वो देख रहे होंगे कि भाई ये क्या है, ये ऐसे तो ये हमारा पुराना ओबरा है, जब तक खुद नहीं गिरेगा तब तक हम इसको गिराएंगे नहीं। ओबरा मीन्स गौशाला।
बस बस अब क्या है, प्याला के पहुंचाना। खुद ही लगा, खुद को मार रहे। इतने टाइम से बोल इतना ही चल दिया। तो अभी मुझे धोने थोड़े से कपड़े, और थोड़े से ही थे तो मैंने सोचा मशीन में क्या ही धोरे, और साथ में टंकी में पानी भी नहीं आ रहा है आजकल, टंकी में पानी खाली हो चुका है। तो अभी जब तक ये कपड़े थोड़े जैसे भीगेंगे तब तक मुझे खाना बना रहा है, तो मैं खिचड़ी बना लेती हूँ पहले। तो अभी मैं बनाऊंगी मूंग दाल की खिचड़ी। तो इसके लिए मैंने मूंग दाल और चावल मिक्स कर लिए। तो मैंने थोड़ी जैसी खिचड़ी लगाई क्योंकि सुबह के जो है दाल दाल नहीं सब्जी रोटी बची हुई है, तो अभी मैंने खिचड़ी लगाई क्योंकि आलू नाशपाती की सब्जी थी बची। और अभी मुझे फटाफट से काम करना पड़ेगा क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना है और हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है, उसमें मेरे को कपड़े भी धोने हैं, तैयार भी होना है और वहाँ स्टेशन पे पहुँचना भी है। तो अभी फटाफट से मैं कपड़े धोती हूँ और मिलती हूँ आपको 10 मिनट में। तो अभी हम लोगों ने ऐसे भागते भागते बस पकड़ी है ना कि क्या ही बोले। तो ये बात पूरी बताऊंगी मैं आपको वहाँ पे पहुँचने के बाद। मैं आपको बोल रही थी ना दोस्तों कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, मतलब हमको जाना है कहीं। तो अभी हम आए थे थ्रेडिंग करवाने और हम लोग वहाँ से वापस भी आ गए। अब पता नहीं पीछे वाली वीडियो में डालूँगी कि नहीं, क्योंकि वो सही नहीं भी हो सकती है, तो मैं बता देती हूँ आपको। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और यहाँ से वापस जाने के लिए अभी कोई बस नहीं है, मतलब या तो हमें 2 घंटे रुकना पड़ना था। तो हम लोग आ गए हैं पैदल, मैं हूँ और मेरी बुआ की लड़की है, तो हम दोनों जा रहे हैं अभी वापिस। तो रास्ते में जाने के लिए हमने ली है चिज्जी रास्ते में खाने के लिए, और एक पंजाबी तड़का इसमें, और निखिल ने दी थी पैंट कटवाने के लिए, लेकिन हमें वहाँ पे मिले नहीं, वो दर्जी नहीं थे वहाँ पे जिनके पास से देने थे, मतलब थे जल्दी भी। पता है हम लोग इतने भाग के आए हैं ना बस के लिए कि हम आपको बता नहीं सकते, मतलब हमारी ना अगर हम लोग 10 सेकंड लेट हो गए थे ना तो हमारी बस छूट जाती। फिर ये बोलती दीदी बस आई, हम लोग जहाँ पे स्टेशन पे पहुँचने ही वाले थे ना, फिर 10 सेकंड पहले ही से बोला कि दीदी बस आई। मैं बोल रही इसको कि भाई हमें का ट्रक वगैरह होगा कुछ, फिर मुँह के सामने दिखी नीचे को, हम मैं सोच रही थी पहले ट्रक है तो उसको जाने देते पहले, लेकिन इसे बोला कि दीदी बस है। फिर भागे रहा जो हम क्या बोले, लोग भी हंसी लगा रहे होंगे हमारी बस से देख के। और हम लोग पता घर से कितने बजे चले थे, हम चले थे कितने बजे, 2:52 पे ऐसे चले थे हम, और 2:56 पे हम लोग पहुंच गए स्टेशन पे, जहाँ के लिए हमें लगता है पूरा 15 मिनट तो लगते हैं अगर आराम से आना, और हमने 4 मिनट में कर लिया वो रास्ता। तो ये बोल रही है कि यहाँ पे एक रेन शटर है कि हम लोग पहुँचने वाले उधर, मैं बोल रही हूँ कि नहीं है, बोलते जरा कहाँ पे, ये बता रही है कि कहाँ पे, वहाँ पे नहीं है, एक मोड़ आगे है, और ये बोल रही है एक मोड़ पीछे। तो मुझे ज़्यादा पता है बेटा, अगर नहीं पता मतलब ऐसी गप होगी मेरे को ही तो इज्जत गयो। एक मोड़ आगे नहीं, 2 मोड़ आगे। हाँ तो मैं बोला था, तूने बोला देखो उधर है बोला था। तो हम लोग बैठने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, हमको एक खाना पीना है फिर हम आराम करेंगे, सो जाएगी 10-15 मिनट के लिए। नहीं रही यार ये बैठे मतलब सांस फूल गई है ऐसे चल चल के, क्योंकि ना सुंदर जंगल है यहाँ पे। तो ये बोल रही थी यहाँ पे बर्फ पड़नी चाहिए, भाई चीलों के बीच कहाँ बर्फ पड़ती है, ये पड़ती तो ना है यहाँ पर, पर इतनी जैसी चीलों के लिए कहाँ बर्फ पड़ेगी। थकी नहीं सब ये आया देखी थी मैं, नहीं शटर यहाँ पे नहीं है, इसे भी आगे नहीं देखो आगे है, देख देख लो नहीं है यहाँ पे भी नहीं है, उधर नहीं है उधर, कहाँ इधर नहीं है रेन शटर। क्या हुआ
नहीं यार मेरा कहूँ तो लाल मुँह देखो लालोगे। हाँ भूत हुआ। हाँ गर्म लग रही ना, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं यहाँ पे चल रही हूँ, मतलब कुछ था कीड़ा था शायद नहीं तो अभी चलेंगे, हम लोग थक चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, बैठने के लिए ढूंढ रहे हैं जगह। हाँ अब आया ना, ये पिछले पिछले से पिछले मोड़ पे बोल रही थी कि आ गया विकल्प, वो रेन शटर, मैं बोल रही कल्पट। तो ये इस रेन शटर के लिए बोल रही थी पीछे पे, अब जाके पहुँच रहा हूँ, तब से लेकर यहाँ के लिए 10 मिनट लग गए जहाँ पे बोल रही थी रुकने को। तो हम लोग यहाँ पे विश्राम करेंगे, फ्रूटी वूटी पियेंगे, नमकीन खाएंगे और मिलते हैं आपसे चलते हुए। तो ये देखो दोस्तों हम लोग कहाँ पे बैठ गए हैं, मतलब ना हम लोग को अंदर हवा ही नहीं आ रही थी तो हम लोग यहाँ पे बैठे थे। मैंने सोचा थोड़ा ऊपर है पर ये थोड़ा नीचे, तो थोड़ी फ्रूटी पियेंगे फिर अंदर बैठ जाएंगे। ऐसा लग रहा है थोड़ी हवा जैसी आ रही है इधर, जैसे अंदर तो बहुत गर्मी लग रही है। ये देखो इसमें सिर बज रहा है ऊपर, दीदी लोग तो एक दादू जैसे आ गए थे, हम भागे ऐसे जैसे हमने चोरी की हो, होता है शर्म लगती है ऐसे लोग देखे कहाँ बैठे हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं नीचे निपड़ो पाए।